ये वीडियो देखो दोस्तों और इससे हमें बहुत सारा सीखना चाहिए दोस्तों कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए चाहे वो कुछ भी हो जाए सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलने वाली हूँ आपका नंद हूँ सबका बंद और आज आपको लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि है मेरे रिवेंज के बारे में अभी हाल ही में ऑस का रिजल्ट निकला था और मैं फेल हो गया था अब मेरा अब तो फिर मेरे को बदला लेना है तो मैं अपना रिवेंज लूँगा तो जो जो भी हो जो जो फेल हो चुके हैं तो उनके लिए ये वीडियो है हम सबको को मिल के क्या करना है रिवेंज लेना है ठुकरा के मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगा ओ ठीक है तो रिवेंज हम किस तरह से लेंगे दोस्तों कुछ नहीं हमें रिवेंज इस तरीके से लेना है कि आ, आ, अगले बार हमें फिर से आ, ये पूरे जो साइकिल है री का साइकिल है फिर मेंस का साइकिल है और फिर इंटरव्यू का जो साइकिल है ये तीनों साइकिल को अच्छे से पार करना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है मेंस में मेंस में हमें इतना मार्क ले कर आ जाना है कि इंटरव्यू के मार्क्स कितने कम क्यों ना हो जाए वो मेंस ही मतलब आ, हमारा सिलेक्शन ले, ले आएगा तो अपने आंसर एनरिचमेंट पे हमको बहुत ही फोकस करना है ठीक है दोस्तों तो ये चीज़ हमको करना ही है तो अभी तो दो महीने बचे हुए हैं हार्डली दो महीने ही होंगे तो अभी का है हमारा मिशन प्रिलियम्स अभी हमको क्या करना है हमारा एक ही टारगेट है पहले प्रीलिम्स निकालना है क्योंकि जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स का जो अभी क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज हो गया है दोस्तों वो सबसे अभी दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि अभी हर चीज़ चेंज हो चुका है अपना सिलेबस चेंज हो गया है प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी पैटर्न्स वगैरह चेंज हो गया है पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उतना नहीं आ रहा था थोड़ा सा आ रहा था बट प्रीवियस ईयर में हम लोग देखे कि बहुत सारा स्टेटमेंट वेस्ड बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रीलिम्स के लिए अभी अच्छे से डेडिकेटिवली हमको अभी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों ठीक है दोस्तों तो उसके लिए हमको क्या करना है तो सबसे पहले अब देखिए नया महीना स्टार्ट हो गया अगस्त का महीना नया महीना है और नए जोश के साथ हमारा जो ओल्ड टारगेट है अपना और सी को जो क्वालिफाई करना है जैसे भी करके एक सीट तो अपना ही अगले साल के लिए पूरा रिजर्व कर देना है तो उसके लिए जो ओल्ड टारगेट है अभी तो टारगेट है मिशन प्रीलिम्स और ये मिशन प्रीलिम्स नए जोश के साथ नए मंथ में एक नई उम्मीद के साथ फिर से अपने जो भी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को अच्छे से हम लोग को अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले प्लानिंग तो करते हैं क्या है प्लानिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले अपना सिलेबस जो सिलेबस है दोस्तों उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पहला आता है हिस्ट्री तो हिस्ट्री अपने आप में फाइव फा, सब्जेक्ट है ठीक है दो दोस्तों पाँच सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री है एंशियट हिस्ट्री है मेडिवल हिस्ट्री है आर्ट एंड कल्चर है तो इसमें से हम लोग जो का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री हम कट कर सकते हैं और बाकी सब तो हमको पढ़ना ही है दोस्तों इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ये सब से क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है दोस्तों तो इसमें टोटल कुल मिला के चार सब्जेक्ट तो हमको अच्छे से पढ़ने ही है दोस्तों उसमें से उड़ीसा वाला का भी अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों उड़ीसा अभी तो नया अभी जो चेंज हुआ है उसमें उड़ीसा का हिस्ट्री भी इंक्लूड हो चुका है तो जो इसका भी लेके चलना है तो ये चीज़ तो करना ही करना है दोस्तों हिस्ट्री का ये फोर चीज़ चार चीज़ ले लो हिस्ट्री का फिर ज्योग्राफी ज्योग्राफी में फिर से तीन चीज़ है फिजिकल ज्योग्राफी है वर्ल्ड ज्योग्राफी है इंडियन ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री का चार हिस्ट्री का चार चीज़ हिस्ट्री का चार प्लस ज्योग्राफी का तीन टोटल हो गया दोस्तों सेवन ठीक है याद रखिए सेवन चीज फिर नेक्स्ट है अपना क्या इकोनॉमिक्स नेक्स्ट है अपना इकोनॉमिक्स दोस्तों और इकोनॉमिक्स का पता नहीं आप लोग क्या सोर्स यूज करते हो मैं अपना मरूनल सर का जो पी है वो यूज़ करता हूँ मरूनल सर बहुत ही ट्रस्टेड इकोनॉमिक्स के लिए यू पी के लिए भी माने जाते हैं तो वो सिक्स पिलर्स में डिवाइड करते हैं तो इसका देख लें तो सिक्स बुकलेट वगैरह के हिसाब से छः पिलर के हिसाब से मैं ले लेता हूँ इसको छः कंसिडर कर रहा हूँ तो हिस्ट्री के हो गए चार चार सब्जेक्ट ज्योग्राफी का तीन और इकोनॉमिक्स का छः टोटल हो गया दोस्तों छः तीन नौ नौ चार तेरह तेरह सब्जेक्ट बस इतने का ही दोस्तों तो फिर इकोनॉमिक्स के बाद आता है अपना पॉलिटी जो कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या फिर जो भी आप सोर्सेज यूज करते हैं पॉलिटी के लिए वो एक पढ़ना ही है तो वो टोटल हो गया फोटीन सब्जेक्ट्स हो गया उसके बाद एनवायरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका तो वेटेज अभी यू में भी बढ़ चुका है तो एनवायरमेंट सेक्शन से आपको मेनली मैं रिकमेंड करूँगा अपना एक्सपीरियंस है कि एन का जो ट्वेल्थ क्लास का जो बुक है बायोलॉजी का बायो का जो बुक है उसका जो फो लास्ट यूनिट जो है दोस्तों लास्ट यूनिट ट्वेल्थ का लास्ट यूनिट जो है वो कुछ चार चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं प्लस थोड़ा थोड़ा बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज एनवायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए और करेंट अफेयर से बहुत सारा चीज़ हो जाता है तो इतना मोर देन सफिशियंट लगता है मेरे को अपने ओ के लिए क्योंकि मैंने दो बार प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ मैं दो बार प्रीलिम्स दिया हूँ और दोनों बार क्वालीफाई कर लिया हूँ और हंड्रेड ट्वेल्व प्लस मेरा स्कोर रहता है तो एन्वायरमेंट के लिए मैं इतना ही फॉलो करता हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा उसके बाद है जनरल स्टडीज़ के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं जनरली क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेंथ के साइंस बुक को, को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ ज़्यादातर ये बुक्स को ही फॉलो करता हूँ तो ये दो बुक तो टोटल कुल cool मिला के हमारा अगर देखा जाए दोस्तों तो हिस्ट्री हिस्ट्री से आपका पंद्रह क्वेश्चन आ जाता है आपका जियोग्राफी से अप्रोक्सीमेटली पंद्रह आ जाता है इकोनॉमिक्स से भी पंद्रह क्वेश्चन आ जाते हैं हिस्ट्री हो गया जियोग्राफी हो गया इकोनॉमिक्स हो गया फिर पोलिटी पोलिटी से भी कुछ पंद्रह क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है दोस्तों हिस्ट्री से पंद्रह क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों फिर जियोग्राफी अपना जियोग्राफी से भी अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन क्वेश्चन आ जाते हैं उसके बाद अपना ले लीजिए पोलिटी पोलिटी से भी पंद्रह क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों फिर से आ गया हमारा जो एनवायरनमेंट सेक्शन वहाँ से भी फिफ्टीन क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद आता है जोग्राफी जोग्राफी से भी अपना फिफ्टीन क्वेश्चनस आ जाता है लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं अपना जो प्लानिंग होता है इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए फिर अपना जनरल स्टडीज़ जनरल स्टडीज़ जी के भी फिफ्टीन क्वेश्चन आमतौर पर आ जाते हैं और करेंट अफेयर्स के, के कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आ, वो भी आ, दस के आसपास आते हैं तो टोटल आप देख लेंगे तो ये टोटल आपका हंड्रेड मार्क का जो होता है हंड्रेड क्वेश्चन हो जाता है तो इसीलिए इसी के इर्द गिर्द हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थोड़ा सा करंट अफेयर्स तो देखना ही देखना है लेकिन अपने स्टेटिक पर्सन को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों स्टेटिक जो है हमें जो भी बता रहा है स्टेटिक स्टेटिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वही डेफिनेटली आपको क्वालिफाइंग मार्क अचीव करने के लिए मोर देन सफिशेंट हो जाएगा दोस्तों और करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा आपको आप पी पी वाई क्यों देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के करंट अफेयर्स को ज़्यादा आपको पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज है नहीं दोस्तों ठीक है दोस्तों तो अपने प्रिपरेशन इसी के इर्दगिर्द रहना चाहिए दोस्तों ठीक है दोस्तों तो चीज़ क्या है अभी हमारे पास टाइम कितना है हार्डली टू मंथ्स टाइम है हार्डली टू मंथ्स टू मंथ दो मंथ का टाइम है दोस्तों अपने पास तो ये जो अगस्त महीना है वन मंथ आपको इसी वन मंथ में टोटल सिलेबस को कवर कर लेना है टोटल जितना भी सिलेबस है जैसे कि मैं ये जो बोला जैसे कि हिस्ट्री के चार चीज़ हो गए जोग्राफ़ी के तीन सात फिर जी के कुछ हो गए बुक्स एन का मतलब एनवायरनमेंट का सेक्शन हो गया डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेक्शन है हर चीज़ का जितना भी चीज़ हो दोस्तों आपको सिर्फ ये एक महीने में कवर करना है दोस्तों इकोनॉमिक्स के छः तो सब अगर अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो आपको डेली एक सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली एक चीज़ कम्प्लीट करना है तो आपको क्या करना है देखिए अगर डेली एक एक भी अगर कम्प्लीट करते हैं तो दोस्तों एक सेकेंड हाँ बता रहा हूँ मैं तो जो अपना हिस्ट्री था हिस्ट्री आपको डेली एक चीज़ अगर करेंगे तो चार दिन तो मिनिमम हिस्ट्री कवर करने के लिए लग गया दोस्तों फिर चार दिन का जोग्राफी तीन सात दिन फिर इकोनॉमिक्स का छः दिन तो सात छः तेरह दिन तेरह पॉलिटी का ही है इसको कम से कम इसको तीन सेक्शन में कर दीजिए तो तीन दिन तो सोलह दिन फिर ये एनवायरनमेंट का ये दो चीज़ हो गया दो दिन तो ये हो गया अठारह दिन अठारह दिन के बाद ये फिर से ये पांच बुक को अगर आप एक एक दिन में ख़त्म करते हैं तो मतलब लगभग लगभग आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे दोस्तों अब तो आपका सी सेट भी है सी सेट के लिए भी बेसिक चीज़ करना है बस अब तो सी सेट का ट्रेंड ही बदल गया है यू में वो तो गजब के क्वेश्चन वगैरह ही आ गए थे अभी यहाँ के सी सेट तो ठीक है पता नहीं अभी क्या होने वाला है एग्जाम में तो इसीलिए थोड़ा प्रिपेयर हो लेते हैं कंप्रहेंशन और थोड़ा सा क्लास सिक्स से क्लास टेन तक का अगर मैथमेटिक्स बुक थोड़ा बहुत भी अब देखेंगे तो मेरे को लग रहा है मोर देन एनफ एफ एस के लिए तो ये अपने हिसाब से कर लेंगे तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लगभग लगभग हर दिन आपको मतलब अभी रेस हो गया है रेस की तरह दौड़ना है हर दिन मान के चलिए एक सब्जेक्ट का एट्टी परसेंट सिलेबस अगर कवर करेंगे तभी जाके आप अच्छे से ये महीने में पूरा का पूरा कवर कर लेनी है दोस्तों और अगले महीने जो सितंबर में जो भी दिन आएंगे वो रिवाइज़ के लिए भी रखना है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमको तो ये करना भी है तो देखा जाए तो टोटल हमें क्या करना है अपना जो हिस्ट्री है उसको फाइव डेज़ में कंप्लीट कर लेना है दोस्तों फिर अपना जो जियो जियोग्राफ़ी है उसको भी फाइव तो डेज़ में कवर कर लेना है दोस्तों ठीक है उसके बाद पोलिटी है पोलिटी के लिए भी मैक्स आप फाइव डेज दे सकते हैं ठीक है आपका जो बाद में एन्वामेंट सेक्शन है उसके लिए भी फाइव डेज आप दे सकते हैं फिर जी आप जो पढ़ेंगे उसके लिए भी फाइव डेज़ दे दीजिए Uh, क्योंकि इससे से पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन आ जाने वाले दोस्तों अप्रोक्सीमेटली पंद्रह पंद्रह तो इसका ले लीजिए पंद्रह फिर इसका भी पंद्रह तो ये पंद्रह तो ये हो गया साठ क्वेश्चन हो गए दोस्तों हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इन्वायरमेंट जी जीएस जी एस और अपना क्या बच गया इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भूल गया था मैं इकोनॉमिक्स को भी फाइव डेज और टू सिक्स डेज लेंगे तो वहाँ से भी पंद्रह क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो ये कुछ नब्बे क्वेश्चन का आराम से आपका बन जाता है और करंट अफेयर्स को हर दिन देखना ही है दोस्तों आपको करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलना है थोड़ा सा उसको साथ में जब लेके चलेंगे तो आपका पूरे हंड्रेड क्वेश्चन का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और दैट इज़ मोर देन एनफ टू क्वालिफाई द प्री और आप लोगों ने तो प्री क्वालिफ़ाई uh, किया है तो आप लोग को पता ही होगा जो प्री क्वालीफाई नहीं किए वो उनके लिए भी हेल्पफुल है वो भी अपना इस, जो भी टाइम वेस्ट कर दिए हैं अभी इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप भी अपना प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और सी सेट भी थोड़ा थोड़ा देखने से आपका हो जाएगा तो अभी आ, आ, नंदेश ट्यूटोरियल अभी मेंस आंसर राइटिंग के लिए हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो जो भी इंटरेस्टेड है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपना मेन्स का आंसर राइटिंग मेन्स का आंसर इतने अच्छे होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन पक्का वही मेन्स के आंसर्स ही आएंगे तो हमको इसीलिए हम लोगों ने मेन्स के आंसर राइटिंग्स वगैरह स्टार्ट किए हैं तो डेली इसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ओनली नाइन्टी नाइन रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ये प्राइस मैं नहीं रखता रखा हूँ जस्ट टू एक सीरियसनेस वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके और एक सीरियसली एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके इसीलिए मैं ये एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा हूँ मैं ये फ्री भी रख सकता था ठीक है क्योंकि ये तो हम लोग करते ही हैं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसी के बीच में आ जाता है बट फिर भी ये चार्ज लिया जा रहा है जस्ट टू सीरियसली एक बंदा पैसा दिया है तो सीरियसली वो पढ़ सके वो ख़ुद का हर दिन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते तो इस हम हम लोग जो ये मेंस आंसर राइटिंग जो कर रहे हैं तो इसमें फ़ीचर्स क्या है दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर टोपर्स के जितने भी पेपर हैं टोपर्स के पेपर्स वगैरह को एनालिसिस किया जाएगा दोस्तों आपको वो टोपर्स के क्वेश्चन और आंसर वो एनालिसिस किया जाएगा आपको थीम दिया जाएगा इसमें लगभग लगभग अस्सी थीम होंगे उस एससी थीम से ही बहुत सारे क्वेश्चन एटी परसेंट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और यही एक्चुअली uh, uh, टैक्टिक्स है uh, टॉपर्स लोगों का थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहा है उसी थीम्स को पकड़ना है और आंसर राइटिंग करना है डैट इज़ द की टू सक्सेस इन ओ एज वेल एज यू तो यही सब होने वाला है मेंस का प्रैक्टिस राइटिंग के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे डेली टू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है टॉपर्स के भी आंसर्स वगैरह मिलेंगे एनालिसिस मिलेगा आपका एवोल्यूशन भी अच्छे से होगा और प्लस आपको बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाएगा और अच्छा यार अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या नंबर नंबर ये है सिक्स थ्री सेवन वन सिक्स ज़ीरो एट वन एट नाइन ये नंबर है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप या फिर कमेंट कीजिए दोस्तों कमेंट कीजिए कमेंट भी कीजिए आपको पता चल जाएगा आपको हम लोग की टीम आपको भी मेल करेगी ठीक है दोस्तों इसी एक साथ मैं आपसे अभी अलविदा देता हूँ तो फिर थैंक्स थैंक्स फॉर द वॉचिंग बाय